La 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 la. आज मैं आपको HH मनरो साकी की एक कहानी जिसका मूल शीर्षक है दी ओपन विंडो सुनाने जा रही हूं। इस कहानी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, तो आओ सुनो कहानी खुली हुई खिड़की। बिना बात के घबराना, घड़ी घड़ी इधर उधर भाग जाना, नए मौकों और नए लोगों से बच के निकलना और किसी से भी ना मिलना, घर पे छुपकर ही बैठ जाना, ये सभी निशानियां थी नंदू की। नंदू नंदिनी का बड़ा भाई, और नंदिनी बेचारी अपने बड़े भाई को समझाकर परेशान थी कि भाई कभी तो घर से बाहर निकलो, दोस्तों में घूमो, लोगों से मिलो जुलो, मगर नंदू मजाक है कि वो सब कुछ करता। खैर, जब डॉक्टर साहब ने भी पर्चे पर उसके मर्ज का इलाज ये लिख डाला कि भाई कहीं घूम आओ, कहीं अच्छी जगह की आबो हवा जाके ले लो, तो नंदिनी ने अपने भाई नंदू से बोला, क्यों नहीं तुम कुछ दिन शांति कुछ में बिताए आते, वहां का हवा पानी बड़ा अच्छा है, आसपास के लोग भी बड़े प्यारे हैं, मैं कुछ लोगों के नाम पते लिख के तुम्हें दे दूंगी, उनसे जाओ मिलो जुलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नंदू को लगा कि यही अच्छी चीज है, भाई सब तरकीब तो वो लगा चुका था, ऊपर से ये शहर की भाग दौड़ मारे जाती थी, तो उसको लगा कि ठीक है मैं शांति कुंज जाऊंगा। अब नंदू ने नंदिनी से वो लोगों के अते पते लिए और चला शांति कुंज की ओर। जाते जाते नंदिनी ने नंदू से विदा ली और साथ यही हिदायत दी, देखो फायदा इसी में है कि बैठे ना रहना, लोगों से मिलना जुलना। अब जब नंदू जी शांति कुंज पहुंचे हैं, तो पहले दो तीन दिन तो वो चुपचाप घर घुसू की तरह घर में घुसे बैठे रहे। चौथे दिन बड़ी हिम्मत करके वो बगल के मिसेस और मिस्टर अतरवाला के घर पहुंचे। अब अतरवाला हाउस जो है वो नंदू की फेहरिस्त में, यानी कि लिस्ट में सबसे ऊपर था। नंदू जी ने अतरवाला हाउस का गेट खोला, अंदर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी भांजी, मिसेस अतरवाला की भांजी भोली ने दरवाजा खोला और बोला, नमस्ते, आइए अंदर आइए। नंदू तो भोली को देख के पहले ही डर गया, चुपचाप जाकर सोफे के एक कोने में बैठ गया। अब जैसे जैसे समय निकलता जाए, भोली और नंदू जो चुप। भोली खुद ही बोली, जी वो मामी थोड़ा कमरे में है, अभी कुछ काम है, 10-15 मिनट में आती होंगी, तब तक आप मेरी बातें झेलिए जनाब। नंदू जी मुस्कुराए मगर बहुत सख्त पकाए, बड़े सहमे से बैठे रहे। दरअसल भोली जी केवल नाम मात्र और दिखने मात्र की भोली थी, बाकी थी वो पूरी बम की गोली, मगर नंदू को क्या मालूम। नंदू को उस अतरवाला हाउस के नीले सोफे पर बैठे पूरे 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन मिसेस अतरवाला की कहीं खोज खबर नहीं थी। अब नंदू बार बार उस जीने को देखता जाए जहां से मिसेस अतरवाला उतरकर ड्राइंग रूम में आने वाली थी। एक एक सेकंड उसके लिए एक एक साल के बराबर हो गया था। जब बहुत देर तक नंदू इसी चीज में उधेड़बुन में लगा रहा और चुप रहा, तो भोली बोली, आप कहां से आए थोड़ा बताइए। तो नंदू बोले, वो दरअसल मैं, उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा अता पता, वो कहां से आए, कौन है, क्यों आए, कब आए, कैसे आए, सब भोली को कह सुनाया। अंधा क्या चाहे दो आंखें, भोली ने झटपट उनकी बात सुनी और बड़ी गंभीर स्वर में बोला, मतलब अच्छा, तो आप शांति कुंज हाल फिलहाल में ही आए हैं और पहले कभी नहीं आए। नंदू ने सिर हिलाया और बोला, कभी नहीं आया। और साथ ही साथ संकुचा के ये भी बोला कि वो नंदिनी ने पते दे दिए और बड़ी जिद करी कि जाके मिल लो, नहीं तो मैं आप लोग को तकलीफ नहीं देता। तो भोली बोली, अरे बेवजह चिंता मत करिए, आप कहाँ परेशान होते हैं, मामी बस आती ही होंगी। नंदू फिर चुप। नंदू के चुप रहने से भोली इस बार बोली थोड़ा गंभीर स्वर में, तो आपको सच में नहीं पता कि शांति कुंज में कैसे कौन लोग रहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता। नंदू को क्या मालूम। नंदू बोला, नहीं बताया तो मैंने, मैं दरअसल आया इसलिए क्योंकि वो नंद
भोली बोली, हाँ हाँ जानती हूँ जानती हूँ, आप इसलिए आए हैं कि नंदिनी ने आपको फेहरिस्त दे दी, नहीं तो आप हमें ये बेवजह परेशानी नहीं देते। नंदू शर्मा के चुप हो गया। थोड़ी देर फिर शांति हुई। मिसेज अतरवाला का कोई अता पता नहीं था तो भोली बड़े गंभीर स्वर में एक बार फिर बोली, तो फिर मतलब आपको मामी के बारे में कुछ नहीं पता? आपको ये भी नहीं पता कि उनके साथ 3 साल पहले बहुत बुरा हादसा हुआ? नंदू ने कहा, नहीं पता तो नहीं है, वो नंदिनी आई थी 4 साल पहले, उसको शायद पता हो। भोली ने हाथ फिराते हुए बोला, हादसा ठीक 3 साल पहले हुआ है, आज ही के दिन। कैलेंडर की तरफ देखा और बोली, 21 सितंबर, 21 सितंबर का दिन, कभी नहीं भूल सकती मैं 21 सितंबर का दिन। नंदू को लगा ये पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। उसने फौरन बात का मुंह रुख मोड़ने की कोशिश करी। अरे मगर मजाल हो जो भोली ऐसा होने दे, भोली को तो मौका मिल गया। वो दोबारा गंभीर स्वर में बोली, आप वो खिड़की देख रहे हैं, आपने सोचा है कि इस गर्म उमस भरे मौसम में हमने खिड़की क्यों खोल रखी है? अरे कौन खोलता है अपने घर की खिड़की दरवाजे इस गंदे गर्म उमस भरे मौसम में? नंदू ने फौरन बड़ी खिड़की देखी। खिड़की वाकई खुली हुई थी, बड़ी फ्रेंच विंडो। तो नंदू बोला, हाँ थोड़ा हवा आएगी जाएगी। तो भोली ने बात काट कर बोला, वो तो मामी है, रोज सुबह उठकर वो इस बड़ी फ्रेंच विंडो को खोलती हैं और पूरे दिन खुला ही छोड़ देती हैं, देर शाम तक, तब जाकर वो बंद करती हैं। करेंगे कि भी क्या, 3 साल पहले ठीक आज के दिन 21 सितंबर को उनके पति मिस्टर अतरवाला, मेरे मामा, और मामी के 2 छोटे भाई इसी खिड़की से बाहर शिकार करने गए थे। मुझे अभी भी याद है वो कैसे गए थे, गाना गाते हुए, हंसते खेलते। सबसे पहले मामा, वो बस ऐसे निकले खिड़की के ऊपर, खिड़की से उन्होंने की दहलीज पार करी और उनके एक कंधे पे बंदूक, उनकी काली धुनाली जिससे वो शिकार करते थे, और दूसरे कंधे पर एक सफेद बरसाती थी। पीछे पीछे दोनों भैया, और भैया सीटी बजाते गाते मामी को चढ़ाते हुए निकले। साथ ही वो नटखट ब्रांडी, हमारा भूरा कॉकर स्पैनियल भी निकला और फुदकते उछलते कूदते उनके साथ हो लिया। वो दूर तक चलते जा रहे थे और हम लोग इसी खिड़की से, इसी ड्राइंग रूम से बैठे हुए उनको देख रहे थे और अच्छी बातें कर रहे थे। भोली ने ये बोला तो नंदू को लगा भाई पता नहीं कि आगे क्या हो, पर नंदू को कुछ अजीब सा लगा। वो चुप रहा, वो बिल्कुल जकड़ सा गया था डर से। भोली आगे बोली, सच बताऊं, वो दिन किसी भी आम दिन की तरह हो सकता था, मगर किस्मत को क्या मंजूर था वो किसे मालूम था। वो दिन है और आज का दिन, मामा, वो दोनों भैया और ब्रांडी आज तक वापस नहीं आए। उस दिन जंगल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो शिकार करते करते किसी दलदल में फंस गए और इस तरह धंसे कि उनकी लाशें तक नहीं मिली। मामा को सब पता था, वो जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, कहां पानी, कहां दलदल, कहां पत्ते, सब मालूम था, मगर होनी को कौन डाल सकता है भाई। भोली ने एक बार फिर अजीबोगरीब स्वर में बोला और दरवाजे और खिड़की की ओर देखा, नंदू को काटो तो खून नहीं। भोली मासूम से स्वर में बोली, खैर छोड़िए, जाने दीजिए, 3 साल पुराना हादसा है, क्यों याद करूं, क्यों दुखी हूं। गला अवरुद्ध करते हुए, यानी कि रुआंसी सी आवाज में उसने बोला, मामी भी आती ही होंगी। लेकिन नंदू अब नहीं बैठ सकता था उस अतरवाला हाउस के नीले सोफे पर। वो उठने की कोशिश करे तो भोली उसको बोले, मामी आ रही है, बैठिए बैठिए। नंदू की नजर अब पूरी तरह उसी बड़ी फ्रेंच विंडो पर, उस खुली खिड़की पर टिक गई थी, और भोली की नजर नंदू को तिरछे होकर देख रही थी। वो भाप चुकी थी कि नंदू बहुत अटपटे मन से और बेमन से और डर कर वहां बैठा हुआ है। उसको सच बताऊं तो बड़ा आनंद भी आ रहा था। ये सब होता रहा तो तभी अचानक जो है भोली फिर बोली,
और खिड़की मामी इसलिए भी खुली छोड़ देती हैं क्योंकि आज तक उनको लगता है कि शायद ऐसे ही किसी शाम को, उमस भरी गर्म शाम को, मामा ब्रांडी और वो दोनों भैया इसी खिड़की से अंदर आए और अंदर आकर आवाज दें, हम आ गए। भोली ने ये बोला और नंदू फिर से डर गया। इतने में ही मिसेस अतरवाला जीने से नीचे उतरती हुई आई और उन्होंने नंदू को देखकर बोला, नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ, आपको पहले तो कभी नहीं देखा। ये कहते ही मिसेस अतरवाला की नजर फौरन खिड़की की ओर गई। नंदू ने यह सब देखा। अतरवाला ने क्या बोला मिसेस अतरवाला ने, ये तो नंदू ने नहीं सुना, पर उसने ये जरूर देखा कि उनकी नजर तुरंत खिड़की पर गई। मिसेस अतरवाला कभी खिड़की तो कभी नंदू को देखती थी, नंदू कभी खिड़की तो कभी मिसेस अतरवाला को देखता था, और भोली केवल नंदू को देखती थी तिरछी आंखों से। खैर, मिसेस अतरवाला ने फिर से नंदू से अता पता पूछा। नंदू कुछ बोलने के लायक ही ना हो, उसका तो गला सूख गया था, उसके तो होश फाख्ता हो रहे थे। मिसेस अतरवाला बोली, माफ करिएगा, बड़ी गर्मी है, पर मैंने ये खिड़की खोली हुई है क्योंकि किसी भी समय मेरे पति और दोनों भाई शिकार से लौट जाएंगे, सुबह ही निकले थे, बस आते ही होंगे, समझिए। नंदू ने यह सुना और इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे लगा, भाई ये भोली ने तो बिल्कुल सही बोला। मिसेस अतरवाला पर उसको दया भी आई और अपने ऊपर बहुत गुस्सा कि वो क्यों इधर उठ के आ गया। खैर, मिसेस अतरवाला ने फिर नंदू से पूछा, तो ये सब छोड़िए, ये बताइए कि कैसे आना हुआ। लेकिन भाई, अब नंदू को काटो तो खून नहीं। ये सब बातें हो ही रही थी कि अचानक दूर खिड़की से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। सब चौंके। मिसेस अतरवाला खुश हो गई, नंदू डर गया और भी ज्यादा डर गया, और भोली तिरछी नजर से नंदू को देखकर बड़ी खुश हुई। मिसेस अतरवाला खिड़की की तरफ चलकर बोली, ओहो, आ गए शिकारी, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मगर नंदू, उसको अब यहां से भागना था। नंदू ने देखा दूर से चार प्राणी चले आ रहे थे। सबसे लंबे इंसान के एक कंधे में दुनाली थी एक बंदूक और दूसरे पर एक सफेद बरसाती। बाकी दोनों हंसते खेलते हाथ झुलाते सीटी बजाते आ रहे थे और साथ ही एक छोटा सा कुत्ता जो कि उछलता कूदता दुमहिलाता चला आ रहा था। नंदू ने आओ देखा ना ताओ बस उठने ही वाला था कि मिसेस अतरवाला फिर बोली, हाँ तो माफ करिएगा, आ गए, और देखिए जरा कैसे ऊपर से नीचे तक कीचड़ से सने हैं, मान लो किसी कीचड़ की नदी में डुबकी लगाकर आए हो। लेकिन नंदू के पास इस हंसी और उनकी बातों का टाइम नहीं था। वो उठा और ऐसा नोदू गहरा हुआ कि जैसे गधे के सर से सी। नंदू का जाना हुआ और उधर से मिस्टर अतरवाला और अतरवाला हाउस के दो भाइयों का अंदर आना हुआ। खिड़की से आते हुए उन्होंने अंदर बोला, हम आ गए, बताओ कैसे हो, कैसा दिन रहा। लेकिन मिस्टर अतरवाला ने बोला, अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये जो एकदम से भागते हुए सरपट भागते हुए दिखा वो कौन था। तो मिसेस अतरवाला बोली, कोई आया था। भोली एक बार फिर बोली, वो नंदू हैं, पास ही शांति कुंज में कुछ दिन बिताने आए थे, मामी से मिलना था उन्हें। कह रहे थे कि एक बार बनारस में गंगा के घाट पर उन्होंने इतना डर हो गया उनको, उनको जंगली कुत्तों ने इतना दौड़ाया और इस कदर दौड़ाया भगाया कि उनको एक पूरी रात शमशान में अकेले काटनी पड़ी। हो सकता है उसी से उनके मन में कुत्तों का डर बैठ गया हो, और हो ना हो इस नटखट ब्रांडी से उनको डर लग गया हो। डर है ही ऐसी चीज, अरे एक बार घुस जाए, जड़ पकड़ ले तो सालों लग जाते हैं जाने में, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चुटकियों में पलक झपकते ही बिन बातों की बात बनाना, किस्से कहानी गढ़ लेना भोली की बहुत पुरानी आदत और उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। ला 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 ला